And Excellencies, ladies and gentlemen, I now take the privilege and honor of requesting and inviting the 2018 Champions of the Earth awardee, Shri Narendra Modi ji, to kindly address us all. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हिज एक्सलेंसी एंटोनियो गुटेरेस जी, मंत्रिपरिषद के मेरी सहयोगी सुषमा स्वराज जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलहिम, देश विदेश से पधारे अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मैं इस सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र का हृदय से आभारी हूं। हमारे लिए ये विशेष गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव स्वयं यहां आए, एरिक और उनकी पूरी टीम आई। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये सम्मान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत की 125 करोड़ जनता की प्रतिबद्धता का परिणाम है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की उस नित्य नूतन चीर पुरातन परंपरा का सम्मान है जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा है, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु उसके अधिष्ठान का आह्वान किया है। ये भारत के जंगलों में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं। ये भारत के उन मछुआरों का सम्मान है जो समंदर और नदियों से उतना ही लेते हैं जितना अर्थ उपार्जन के लिए आवश्यक होता है। ये वो लोग शायद स्कूल कॉलेज में नहीं गए होंगे, लेकिन वो लोग मछलियों के प्रजनन के मौसम में मत्स्य का काम, समंदर में जाने का काम बंद कर देते, अपने काम को रोक देते हैं। ये भारत के उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है, जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं। ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रीसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है, जो पौधे में भी परमात्मा का रूप देखती हैं, जो तुलसी की पत्तियां भी तोड़ती हैं तो गिन करके तोड़ती है, जो चींटी को भी अन्न देना पुण्य मानती है। ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है जो लाभ हानि सुख समृद्धि की चिंता किए बिना
दूर किसी गांव, किसी बस्ती, किसी पहाड़, किसी आदिवासी इलाके में बरसों से काम कर रहे हैं। मैं सम्मान के लिए आप सबका हृदय से फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लिए ये दोहरे सम्मान का अवसर भी इसलिए है क्योंकि कोची एयरपोर्ट को भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं उन सभी साथियों, संस्थाओं को बधाई देता हूं जिनको अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार मिला है, विश्व के अलग अलग देशों में मिला है। साथियों, मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं क्योंकि क्लाइमेट और कैलेमिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है। क्लाइमेट की चिंता जब तक कल्चर का हिस्सा नहीं होती तब तक कैलेमिटी से बच पाना मुश्किल है। पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। और अभी सुषमा जी ने इस बात का उल्लेख किया, हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां सुबह उठने के बाद सबसे पहले धरती माता से क्षमा मांगी जाती है क्योंकि उस पर हम अपने पैर रखने वाले हैं, एक तरह से अपना बोझ धरती पर डालने वाले हैं। हमारे यहां कहा गया है, समुद्र वथने देवी पर्वतस्थ न मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मतलब हे समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी शरीर वाली भगवान विष्णु की पत्नी, हे भूमि देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं आपको अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूं। ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। पेड़ पौधों की पूजा करना, मौसम ऋतुओं को व्रत और त्योहार के रूप में मनाना, लोरियां लोक गाथाओं में प्रकृति के रिश्ते की बात करना, हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है। और सिर्फ सजीव माना ऐसा नहीं है, हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को सजीव माना है, सहज जीव भी माना है। प्रकृति के साथ इस भावात्मक रिश्ते के साथ ही पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना को हमारे यहां सर्वोपरि माना गया है। यजुर्वेद में इसलिए ही कहा गया है, ओम दयो शांतिरम अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापह शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांतिर विश्वे देवा शांतिर ब्रह्म शांति सर्व शांति, शांति रेव शांति सामा शांति ए द्विज, ओम शांति शांति शांति। साथ ही संस्कृत में इस श्लोक में परमात्मा की प्रार्थना की जा रही है कि वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधि में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवता गणों में शांति हो। पूरे विश्व की शांति के लिए इस मंत्र से आह्वान किए जाना हमारे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूरा नहीं होता है जब तक ये होता नहीं है। और तो और, स्वयं ईश्वर को जब अपना परिचय देना था, अपने विस्तार का वर्णन करना होता है, तो स्वयं ईश्वर कहते हैं, स्त्रोतस्य अस्मि जाह्नवी सरसाम अस्मि सागर, यानी मैं ही जलाशय हूं,
मैं ही नदी हूं और मैं ही समुद्र भी हूं। इसलिए जो सम्मान आपने दिया वो भारत की जनता और उसके लोगों की इस आस्था का सम्मान है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज तेज गति से आगे बढ़ रही है। हर वर्ष करोड़ों लोग भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर आ रहे हैं। विकास की इस रफ्तार को और तेज करने के लिए हम समर्पित हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि हमें किसी से मुकाबला करना है या फिर हमें संपन्नता का लोभ है, बल्कि इसलिए क्योंकि आबादी के एक हिस्से को गरीबी का दंश सहने के लिए हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उनको गरिमापूर्ण जीवन देना हम सभी का दायित्व है। दुनिया के अनेक देशों में सबसे गरीब ही प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के दुष्परिणाम को झेल रही है। सूखे और बाढ़ की गंभीरता साल दर साल बढ़ रही है और इसमें सबसे ज्यादा परेशान वही हो रहा है जिसके पास सीमित संसाधन है, जो गरीब है। लिहाजा इस बहुत बड़ी आबादी को पर्यावरण पर, प्रकृति पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, हाथ थामने की जरूरत है। इसलिए मैं पेरिस में भी इस बात की मैंने वकालत की थी और मैंने एक शब्द दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था और मैंने वकालत की है क्लाइमेट जस्टिस की। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से क्लाइमेट जस्टिस सुनिश्चित किए बिना हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं। मुझे खुशी है कि पेरिस समझौते में इस बात को दुनिया ने माना है और क्लाइमेट जस्टिस को लेकर कमिटमेंट भी दिखाया है। लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए हमें अभी भी बहुत कुछ करना है और तेजी से करना है। मैं यहां उपस्थित हिज एक्सलेंसी एंटोनियो गुटेरेस का विशेष तौर पर आभारी हूं कि उन्होंने इस समय की मांग को समझा है। उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के सेकंड कमिटमेंट पीरियड की रेटिफिकेशन प्रक्रिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अमलीकरण में तेजी लाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और इसलिए ही हम भारत में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सबका विकास की बात करता हूं तो उसमें प्रकृति भी शामिल है और उसमें सबका साथ यानी 125 करोड़ देशवासियों की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान करता हूं। साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गांव और शहर दोनों महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे यहां रोजगार का एक बड़ा हिस्सा गांव और खेती से जुड़ा है तो हमारे शहर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री के हब है और इसलिए सरकार होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। देश के वर्तमान और भविष्य के लिए सरकार की हर पॉलिसी का आधार हरा भरा और साफ सुथरा पर्यावरण है। साथियों, हमारे गांव हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सचेत रहे हैं, वो प्रकृति से जुड़े रहे हैं। बीते 4 वर्षों में हमारे यहां गांवों ने अपनी इस शाश्वत शक्ति को और अधिक विस्तार किया है।
गांवों में भी वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी जैसे इनिशिएटिव से बायो वेस्ट को ऊर्जा में बदलने के प्रयास शुरू हुए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर सोइल हेल्थ कार्ड और पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारी मिट्टी और जल स्रोतों को जहरीले केमिकल से मुक्ति में मदद मिल रही है और पानी के उचित उपयोग की भावना प्रबल हुई है। जहां हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमारा मोटो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारा मोटो रहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। साथियों, आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में अपने शहरी जीवन को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने पर भी हम बल दे रहे हैं। आज देशभर में जो भी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य के साथ बनाए जा रहे हैं। आज भारत में 100 स्मार्ट सिटी का काम तेज गति से चल रहा है। सीवर से लेकर सर्विलांस तक स्मार्ट व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी इस व्यवस्था का आधार है। देश के नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। उनके साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। नए हाईवेज के साथ साथ विकसित हो रही अन्य सुविधाओं की सारी ऊर्जा जरूरतें सोलार पावर से पूरा करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। मेट्रो जैसे सिटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी सोलार एनर्जी से जोड़ा जा रहा है। वहीं रेलवे की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं। साथियों, आज भारत में घरों से लेकर के गलियों तक, दफ्तरों से लेकर के सड़कों तक, पोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट तक वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन की मुहिम तेज गति से चल रही है। एलईडी बल्ब से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक हर स्तर पर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, घर के किचन से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक को क्लीन फ्यूल बेस बनाने की तरफ हम तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक घरों को एलपीजी से जोड़ा गया है, जिसमें से 5.5 करोड़ से अधिक तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिए गए मुफ्त गैस कनेक्शन है। घरों के साथ साथ मोबिलिटी को भी धुआं मुक्त करने का अभियान चल रहा है। एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए एनसीएपी यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। वाहनों के लिए एमिशन स्टैंडर्ड तय करने की बात आई तो हमने BS4 से सीधे BS6 मानक को लागू करने का फैसला किया है। साथियों, आज जब भारत का फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है, सबको घर, सबको बिजली, सबको भोजन, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, ये हमारे महत्वपूर्ण पहलू है और तभी पर्यावरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में बढ़ोतरी हुई है, हमने कमी नहीं आने दी। हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्षों में एमिशन इंटेंसिटी वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 20-25% कम हो।
हमारी कोशिश इसे साल 2030 तक 30-35% तक कम करने की है। इन सारे प्रयासों के बीच अगर सबसे बड़ी सफलता हमें मिली है तो वो है लोगों के बिहेवियर, लोगों के थॉट प्रोसेस में बदलाव। पर्यावरण के प्रति लगाव हमारी आस्था के साथ साथ अब आचरण में भी और मजबूत हो रहा है। इसी वजह से भारत आज ये संकल्प ले सका है कि वो खुद को 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करके रहेगा। और मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए नया भारत अपने इन संकल्पों को पूरा करेगा और विश्व के लिए एक मॉडल बनकर के उभरेगा। भारत के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मैं फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। आप सब समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण अवसर में शरीक हुए, व्यक्तिगत रूप से ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं उसको पूरा करने में हम कोई कमी न छोड़े। और आपने आकर के हमारा हौसला बुलंद किया है, मैं इसलिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।